यू वेर चलाक ब्रो, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। आज मैं आप लोगों को कोलकाता के ऐसे हॉल में ले जाने वाला हूँ। चलिए ले चलता हूँ आपको मैं उस हॉल का नाम है न्यू अम्पायर। मिस कल्पना और मिस ज्योति देखते सुंदर। अरे सर क्या बात है, टैक्सी में? अरे मैंने हेलीकॉप्टर बुलाया, अभी आ रहा है, रुको। पता चल गया हेलीकॉप्टर को, पता चल गया। अरे चलो, कितना टाइम लगेगा? इतनी जल्दी क्या? तो भाई हम बस पे चढ़ चुके हैं, ये है बस के बाहर का नज़ारा और यहाँ पे लेडीज सीट है, सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे कल्पू बैठी हुई है। तो फाइनली आ चुके हैं इस प्लैनेट धमतल्ला। ये एक ऐसा लौटा हॉल है जो धमतल्ला में बचा हुआ है, बाकी जितने भी सिनेमा थिएटर्स थे जो पुराने मल्टीप्लेक्स के आने से पहले सब बंद हो चुके हैं। तो चलिए मूवी का जो शो है उसे भी काटते हैं। जाओ ना लेडीज को, साइड को मांगा दिया, साइड बोले ले लो। तो हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, जरा हट के जरा बच के, विक्की कौशल और सारा अली खान है इसमें। सुना है कि मूवी अच्छा है, फैमिली मूवी है, तो चलो देखते हैं। आज तो मेरी किस्मत इतनी खराब, तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सीनेरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फिल्म के साथ साथ कॉफ़ी का, KFC का, बर्गर का, मोमोज का, आपको यहाँ पे वावा मोमोज मिल जाएंगे। यहाँ सामने में काउंटर है, आप अगर घर से कुछ नहीं खा के आते हैं तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज, वो भी खा सकते हैं, KFC भी खा सकते हैं। बगल में यहाँ पे जो दुकान है, इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको पूरा टोटल सब कुछ मिल जाएगा। पहले यहाँ पे स्कूप भी है यहाँ पे, हालांकि जो स्कूप है बहुत ही महंगा है। स्कूप में आप एक तंदूरी रोटी भी ऑर्डर करेंगे तो 100 रुपीज, मैंने लास्ट टाइम खाया था तो एक रोटी का, तंदूरी रोटी का 95 समथिंग लिया था। मतलब कि यहाँ पे हमारे एरिया में छोटा मोटा जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी खाने जाते हैं तो 25-26 से 30 रुपया लेता है, मगर स्कूप में बहुत ज़्यादा है। तो आइए यहाँ पे मैं आपको टिकट का दाम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 220 बॉक्स, सर्कल 160, स्टॉल 120, 120 जो रुपया है वो अच्छा सीट है, ठीक है, आगे से लेकर पीछे तक आपको पीछे का सीट मिल जाएगा। सर्कल जो है वो एकदम पीछे में है, वो आप अपने कपल के साथ या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर बैठ सकते हैं। यहाँ पे सीट दिखा रहा है, हालांकि वो सीट नॉर्मली है, आप स्टॉल भी लेंगे तो आपको अच्छे से मूवी देखने को मिलेगा। अगर आप रोमांस करने जा रहे हैं तो पीछे की सीट में बैठ जाइए अपने गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पर आप सटे सटे सीट नहीं है, थोड़ा अलग अलग सीट है, मतलब आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से रोमांस कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये है बाहर का सीन, यहाँ से न्यू एम्पायर का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो है सिटी मार्ट है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे। सिटी मार्ट के बगल में हमने सोचा कि चलो चाय पीते हैं, तो सब चाय पीने के लिए जा रहे हैं क्योंकि शो स्टार्ट होने में अभी टाइम है, तो चाय वगैरह पी लेते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद में उसके बाद में मूवी ढूंढते हैं। वैसे शाम का टाइम है, 6 बजे का शो है। तो देखिए सूरज डूब रहा है और यहाँ पे क्राउड देखिए, भीड़ देखिए, कितना भीड़ है, ये जगह कभी खाली रहता ही नहीं है। 365 दिन संडे का दिन सिर्फ मार्केट जो है बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट संडे को बंद रहता है तो लोग यहाँ पे आते नहीं है, और जितनी मार्केट दिन है यहाँ पे भीड़ खचा खच रहता है भैया। और ये चार लड़के यहाँ पे क्या कर रही है? अरे यहाँ नहीं भैया, थोड़ा बाएं बाएं, यस, ये देखिए ये क्या कर रही है यहाँ पे, ये चार जन किसका दिमाग चाट रही है? अच्छा चाची के पास चिप्स खरीद रही है, ठीक है भाई तुम लोग खाना, कैलोरीज मतलब डीप फ्राई, ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। ये है मिस इंडिया। तो चलो शो का टाइम हो गया है, अंदर की तरफ चलते हैं। चलो चलो, तो हम एंट्री ले चुके हैं विकी कौशल के मूवी सरा हटके जरा बचके देखने के लिए। ये रहा विकी कौशल और ये सारा अली खान। चलो देखते हैं मूवी, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होगा, बोरिंग नहीं होगा, टाइम पास होगा, कम से कम पैसा वेस्ट नहीं जाएगा।
तो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, यहीं पे स्टॉल आपको बालकनी बॉक्स यहीं से एंट्री है। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। ठीक है, पहले आपको नीचे में स्टॉल का और आपको बॉक्स का है, उसके बाद में जो उसका ऊपर जो है वो है आपको बालकनी का। तो ये देखिए यही है फर्स्ट फ्लोर, यही है न्यू एम्पायर का फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों वॉशरूम है, यहाँ पे बार भी है। आप यहाँ पे पिक्चर देखने वाले के बार का भी मज़ा ले सकते हैं। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो बियर अल्कोहल वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएंगे, नो टेंशन भाई लोग। ठीक है, कोलकाता के आसपास कहीं रहते हैं तो यहाँ पे बिंदास आ जाना अपने गर्लफ्रेंड को लेके, मज़ा वजा करके उसके बाद खा पी के यहाँ से जा सकते हैं। तो चलो, और क्या, शो चालू होने वाला है, टिकट किसी और के पास है तो गेट में अभी हमें घुसने नहीं दे रहा, टिकट मांग रहा है। तो टिकट लाओ भाई, किसके पास है टिकट, जल्दी लाओ। तो चलो अब ये एंट्री है, देखिए हॉल अभी भी आईनॉक्स से कोई कम नहीं है भाई। आईनॉक्स में लोग 200-300 रुपये टिकट देके देखते हैं, हालांकि हॉल पुराना हो चुका है मगर सीट जो है ना आईनॉक्स से भी बेटर है, बहुत रिलैक्स होता है भाई। आप थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे ना कुर्सी को तो कुर्सी आईनॉक्स से भी अच्छा है, आपको रिलैक्स है। गर्दन में एक्चुअली गर्दन में जो है ना मोस्टली वो दर्द नहीं होता है, आईनॉक्स सीट में क्या गर्दन थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसमें पूरा अपना गर्दन को सीधा रख सकते हैं। तो देखिए अभी भी हॉल पर साउंड क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, बॉक्स वगैरह जो है वो पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से इसको अगर मॉडिफाई किया जाए तो अभी भी इसका साउंड जो है ना ख़तरनाक साउंड है भाई। अभी भी साउंड इसका जो डॉल्बी इफेक्ट है अभी भी है, बस इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करने से आईनॉक्स भी फेल है। मैं हॉल में जब भी मूवी देखने के लिए आता हूँ तो पूरा जितना भी झमेला है ना सब पूरा करके ही बैठता हूँ, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो माइनस कर लेता हूँ पहले, माइनस करके उसके बाद ही आराम से बैठ जाऊँगा। ये रहा माइनस, ठीक दाहिने साइड में ही जेंट्स लिखा हुआ है, लेडीज़ लोग आगे। तो मूवी चालू होने में कुछ ही समय है, ऐड चल रहा है स्क्रीन में, तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ किस तरीके का। ये देख लीजिए, लाइट्स हल्की हल्की है, ब्लू सीट्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो नेशनल एंथम चालू हो चुका है, नेशनल एंथम में खड़ा होने का नियम है तो खड़े हो जाते हैं। देख लीजिए किस तरीके से हमारे भारतीय नागरिक जो हैं नेशनल एंथम के टाइम में खड़े होते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए अपने तिरंगे को। तो मूवी चालू हो चुकी है भाई, कोशिश करेगा कि मूवी की थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखाए और यूट्यूब मुझे कॉपीराइट क्लेम ना दे, उम्मीद करता हूँ। तो फाइनली मूवी हो चुका है खत्म। दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इंस्टाग्राम में भी जाकर भाई को फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जितने भी लिंक्स है जाके एक्सप्लोर करना और भाई को सपोर्ट करना, प्यार देना। ठीक है, अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर देना और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो जब मूवी देखने आए थे तो उस टाइम में बार पे लोग नज़र नहीं आ रहे थे, अब शाम हो चुकी है, हम लोग इवनिंग शो गए थे, तो जैसे ही शाम हुआ तो यहाँ पे लोग भी आना चालू हो गए। देख शो ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे बार भी है, अब चाहे तो यहाँ पे बार का लुत्फ भी उठा सकते हैं, स्टार्टर वगैरह भी यहाँ मिल जाएंगे। मूवी ख़त्म, पैसा आ जाओ, चलो चलते हैं सिनेमा हॉल के बाहर। तीन देवियों को फोटो खिंचाने के लिए रेडी। मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, पेटीएम करो। मूवी बहुत ही अच्छी थी, आप लोग जाके देख सकते हैं। फिल्म शुरू से लेकर लास्ट तक, फिल्म कब चालू हुआ कब खत्म हुआ कुछ समझ में नहीं आया, फिल्म बहुत अच्छा है। और आप लोग को मैं एक दूसरा नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है कैमरे के पीछे में। ये आइसक्रीम पार्टी है, आइसक्रीम पार्टी, फैमिली आइसक्रीम पार्टी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ब्लॉग, और भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में जाके फॉलो कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, शब्बा खैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।